नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विद हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। खाने का स्वाद अलग अंदाज, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, वीटू मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। साथ ही हर आयोजन के लिए एसी विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। ओपनिंग शॉर्टली न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलवाड़ी, दरभंगा। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। लगातार हो रही बरसात से पानी पानी हुआ दरभंगा, तैरने लगा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में भीषण जल भराव। मौसम विभाग का अलर्ट, दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बज गया बिगुल, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दरभंगा जिले में दूसरे एवं तीसरे चरण में पड़ेंगे वोट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता, बिना अनुमति अब सभा एवं रैली नहीं होगी, धरना प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को किया जा रहा जागरूक। डॉक्टर मुश्ताक अहमद बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार, संभाली कुर्सी। न्यूज टुडे से बात में कहा, समस्याओं का समाधान और सबको साथ लेकर चलना होगी पहली प्राथमिकता। और कृषि बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों के बंद का मिला जुला असर, सड़कों पर जमकर बुलंद हुई आवाज। और समाचार अब विस्तार के साथ। लगातार हो रही नॉन स्टॉप बरसात से पानी पानी हुआ दरभंगा, तैरने लगा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में भीषण जल जमाव से भारी परेशानी। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त, तैरने लगा शहर, मुख्य सड़क से लेकर तंग गलियों में भीषण जल जमाव। लगातार दो दिनों से हो रही नॉन स्टॉप बरसात ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जल जमाव से लोग परेशान हो गए हैं और शहर की मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों तक में जल भराव से लोग भारी परेशानी में हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अभी बारिश का क्रम जारी रहेगा और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़नी भी तय हैं।
मौसम विभाग का अलर्ट, दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की है चेतावनी। दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार और पश्चिम बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने वज्रपात की भी चेतावनी दी है। पटना समेत उत्तर और उत्तर पश्चिम बिहार के 15 जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता की वजह से दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भारी तथा अति भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण राज्य की अधिकतर नदियां उफान पर हैं और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने को बेकरार दिख रही हैं। तो यह बड़ी खबर है, इससे फसलों का भी भारी नुकसान हो सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है दरभंगा समेत उत्तर और पश्चिम बिहार में भारी बारिश का, वज्रपात की भी दी गई है चेतावनी। तो आप रहिए सतर्क और होशियार, क्योंकि कोरोना का खतरा तो है ही, भारी बारिश और वज्रपात के अलर्ट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बस गया बिगुल, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, दरभंगा जिले में दूसरे एवं तीसरे चरण में पड़ेंगे वोट। बच गया बिगुल, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, दरभंगा में दूसरे व तीसरे चरण में होगा मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए घोषणा कर दी है। बिहार में चुनाव तीन चरण में निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 28 अक्टूबर को तथा दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 नवंबर को तथा तीसरे चरण में 15 जिलों के 78 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 10 नवंबर 2020 को निर्धारित की गई है। दरभंगा जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यथा 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबोराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में चुनाव दूसरे चरण में 3 नवंबर को होगा तथा 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को मतदान निर्धारित किया गया है। मतदान हेतु तमाम कार्यक्रम इस प्रकार हैं। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना की तिथि यानी नामांकन प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर 2020 को। नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2020 होगी। समीक्षा होगी 17 अक्टूबर को। नामांकन वापसी की तिथि 19 अक्टूबर है। मतदान 3 नवंबर 2020 को सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक होगा। तीसरे चरण की अधिसूचना यानी नामांकन की तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर 2020 को। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020 होगी। समीक्षा की तिथि 21 अक्टूबर होगी। नामांकन वापसी की तिथि 23 अक्टूबर है और मतदान 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक होगा। मतगणना 10 नवंबर 2020 को होगी। तो दरभंगा शहरी विधानसभा में मतदान 7 नवंबर को होगा। सभी विधानसभा के चुनाव परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता, बिना अनुमति अब सभा एवं रैली नहीं होगी, धरना प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हो गई आदर्श आचार संहिता, अब बिना अनुमति के कोई भी चुनावी सभा या रैली का नहीं होगा आयोजन। हर तरह के धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लागू। बिना अनुमति प्राप्त किए एवं बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार अब आदर्श आचार संहिता का माना जाएगा उल्लंघन। आचार संहिता लागू होते ही कई कड़े नियम लागू हो गए हैं और अब बिना अनुमति के कोई भी चुनावी सभा या रैली का आयोजन नहीं होगा। हर तरह के धरना और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिना अनुमति के, बिना प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार अब आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। अधिसूचना की तिथि से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। नामांकन के लिए एक अभ्यर्थी अपने साथ दो व्यक्ति को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जा सकते हैं। नामांकन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को दो वाहन ही मान्य होंगे। जिले में मूल मतदान केंद्रों की संख्या 2,755 है। 1,261 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 4,016 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। कुल मतदाताओं की संख्या 27,72,250 है। इनमें पुरुष मतदाता 14,66,962 एवं महिला मतदाता 13,05,241,
थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 47 है, पीडब्ल्यूडी मतदाता 19,347 हैं, 80 वर्ष से ऊपर वाले मतदाताओं की संख्या 62,181 एवं सेवा मतदाता 1,221 हैं। तमाम जानकारी पत्रकारों को दी प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी तनय सुल्तानिया ने। आज भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है। इसमें चुनाव तीन चरण में किया जाएगा। 28 अक्टूबर 2020 को पहला चरण है, जिसमें 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 3 नवंबर 2020 को 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में 7 नवंबर 2020 को 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों के मतदान किया जाएगा। मतगणना की तिथि सभी के लिए 10 नवंबर 2020 को निर्धारित किया गया है। अब दरभंगा जिला में जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगी, टोटल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें दो फेज में चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें दूसरे एवं तीसरे चरण में दरभंगा जिला के विधानसभा क्षेत्रों को बांटा गया है, जिसका प्रोग्राम इस तरह निर्धारित है। इसमें जो दूसरे चरण में हमारे विधानसभा आ रहे हैं वो है 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौराबोड़ो, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण, जिसमें अधिसूचना की तिथि है 9 अक्टूबर को, नामांकन की अंतिम तिथि है 16 अक्टूबर को, संवीक्षा यानी डेट ऑफ स्क्रूटिनी है 17 अक्टूबर को, नामांकन वापसी की तिथि है 19 अक्टूबर को और मतदान की तिथि है 3 नवंबर। इसमें एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को किया जा रहा जागरूक। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान। जीविका दीदियां मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं, मेहंदी रचाकर या फिर शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन कर। ICDS कर्मी भी लगातार शपथ ग्रहण, मेहंदी रचो रैली एवं नारा लेखन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर है सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कमर्शियल स्पेस, बैंक ऑफिस शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। बिताइए फुर्सत के क्षण अपनों के संग स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर चौक दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां, साथ ही हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। आइए हर पल को बनाएं यादगार हमारे साथ। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर दरभंगा। सेल्स सर्विस एवं स्पेयर,
महाधमा का ऑफर सीडी 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री, हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त, बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, शूटिंग शर्टिंग साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ, बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस। लगातार हो रही बरसात से पानी पानी हुआ दरभंगा, तैरने लगा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में भीषण जल भराव। मौसम विभाग का अलर्ट, दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बज गया बिगुल, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दरभंगा जिले में दूसरे एवं तीसरे चरण में पड़ेंगे वोट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता, बिना अनुमति अब सभा एवं रैली नहीं होगी, धरना प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को किया जा रहा जागरूक। डॉक्टर मुश्ताक अहमद बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार, संभाली कुर्सी। न्यूज टुडे से बात में कहा, समस्याओं का समाधान और सबको साथ लेकर चलना होगी पहली प्राथमिकता। और कृषि बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों के बंद का मिला जुला असर, सड़कों पर जमकर बुलंद हुई आवाज। डॉक्टर मुश्ताक अहमद बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार, संभाली कुर्सी। न्यूज टुडे से बात में कहा, समस्याओं का समाधान और सबको साथ लेकर चलना होगी पहली प्राथमिकता। डॉक्टर मुश्ताक अहमद बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव, संभाली कुर्सी। कहा, सबको साथ लेकर चलना होगी पहली प्राथमिकता। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह को अपना योगदान देते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय मुख्य भवन स्थित कुलसचिव कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान कुलसचिव प्रोफेसर अजीत चौधरी ने उन्हें पदभार सौंपा। डॉक्टर मुश्ताक अहमद 1996 में मिल्लत कॉलेज लहेरिया सराय उर्दू विभाग में व्याख्याता के रूप में उन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की। 2004 से 2009 तक विश्वविद्यालय में पेंशन पदाधिकारी रहे, पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से काम किया। 2009 में वे विश्वविद्यालय चयन समिति की अनुशंसा पर मिल्लत कॉलेज में प्रधानाचार्य बने। 2014 में मारवाड़ी कॉलेज, 2017 में एमएलएसएम कॉलेज एवं जुलाई 2018 में सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य पद पर योगदान दिया। मारवाड़ी कॉलेज एवं एमएलएसएम कॉलेज में उनके निर्देशन में कॉलेज का नैक हुआ और कॉलेजों को बेहतर ग्रेड प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं महामहिम कुलाधिपति महोदय, बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और वर्तमान कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। मैं चूँकि यहीं का हूँ, कोई हमसे अनजान नहीं, अजनबी नहीं है, किसी के लिए मैं अजनबी नहीं हूँ और न कोई मेरे लिए अनजान है। मेरी कोशिश होगी कि मैं छात्रों के हित की रक्षा कर सकूं, शिक्षकों की आशाओं पर पूरा उतरूं और कर्मचारियों को कोई हमसे निराशा हाथ न लगे। क्योंकि कुलसचिव का पद जो है वो एक आदेश को निर्गत करने भर का है, तो माननीय कुलपति महोदय के जो आदेश होंगे, राज्य सरकार का जो विश्वविद्यालय का जो नियम अधिनियम है उस पर जो होगा मैं पूरा कोशिश करूंगा। बस इतना कह सकता हूं आज कि मैं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने की कोशिश करूंगा और किसी को अगर कोई समस्या हो तो उस समस्या के निदान के लिए पहले वो बातचीत के ज़रिए आएँ, उसमें हमारी भूमिका बीच की होगी कि माननीय कुलपति महोदय तक उनकी बात पहुँचाऊँ और उनका निदान हो, क्योंकि हमारे हाथ में निदान नहीं है। आप लोग हमसे पूरी तरह अवगत हैं, मैं यहाँ, ये मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उसका कर्ज चुकाता रहा हूँ कॉलेजों में, कितना काम किया नहीं किया, क्या हमारे ऊपर हुआ वो सब जग जाहिर है। लेकिन हमेशा ये हमारी कोशिश रही है कि
इस जन्मभूमि के प्रति हमेशा सजग रहूं और उसके लिए कुछ काम करूं। और कृषि बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों के बंद का मिला जुला रहा असर, चौतरफा सड़कों पर बुलंद हुई आवाज। कृषि बिल के विरोध में जगह जगह विपक्ष का बिहार बंद। संसद द्वारा पारित किसान बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए राजद, जन अधिकार पार्टी और भाकपा माले ने राज्यव्यापी आह्वान कर चक्का जाम करने का ऐलान किया था। इसको लेकर राजद के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर निकलकर सरकार के विरोध में नारेबाजी करते दिखे। अन्य विपक्षी दलों ने भी यही काम किया। इस दौरान राजद कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं राजद नेता कुमार गौरव ने कहा कि कृषि क्षेत्र के संबंधित विधेयक को सदन के दोनों सदनों से पारित किया गया है, जनतंत्र के काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार को किसानों और गरीब विरोधी बताते हुए कहा कि एनडीए की सरकार हर वर्ग के साथ छल कर रही है। किसान संगठन के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से लहेरिया सराय बहेड़ी मुख्य सड़क पर देकुली मिर्जापुर के निकट भारी वर्षा के बावजूद काफी संख्या में किसान, छात्र, युवा, महिलाओं ने सड़क पर उतरकर किसान संबंधी कानून वापस लेने, श्रम कानून में हुए बदलाव को वापस लेने और केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ सड़क जाम किया। इसी क्रम में कर्पूरी चौक लहरिया सराय के निकट से समाहरणालय दरभंगा तक राजद ने विरोध मार्च निकाला। राजद विधायक ललित यादव, भोला यादव एवं अन्य कई नेता लगातार इसमें शामिल रहे और सरकार के खिलाफ सब उन्हें जमकर नारेबाजी की। इनके एसडीएम, इनके डीएम दो को मात्र अधिकार दिया गया है और आपको बताया कि समर्थन मूल्य जो है उसका भी कोई निर्धारण नहीं होगा, उसका कोई आकलन नहीं होगा, कोई सरकारी लोग आकलन नहीं करेंगे। वही जो जमाखोर लोग हैं वही जमाखोर लोग जमाखोरी करेंगे और आप किसान खेती करिए, हम आपको कोई पूंजी नहीं देंगे, हम आपको कोई रेट फिक्स नहीं करेंगे, हम किसान की और हालत माली हो जाएगी। इसीलिए काला बिल है, इस काला बिल को जब तक वापस नहीं लेती है सरकार, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। एनडीए सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी विधेयक लाया है उससे किसान का कमर टूट जाएगा, कृषि कार्य में जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी और कृषि कार्य बाधित होगा। आज पूरे देश में 85% लोग कृषि पर आधारित हैं और उनकी माली हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, लेकिन ये निरंकुश एनडीए सरकार किसान के खिलाफ जिस तरह का विधेयक लाया है इसके खिलाफ हम लोग आज राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे सभी जिला में विरोध मार्च निकाले हैं और उस विरोध मार्च में ये एनडीए सरकार को बताना है जो किसान जिस दिन रूठेगा आपकी गद्दी निश्चित तौर से हिल जाएगी, इसलिए किसान विरोधी इस नीति को वापस लीजिए, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा और किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव के अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा किसान बिल पर बार बार हमला किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर भारत सरकार, ये निकम्मी सरकार, हम ये किसान बिल को वापस नहीं लेगा तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। नहीं चलेगा, बंद करो रे भ्रष्टाचार।
ये थे अब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लगातार हो रही बरसात से पानी पानी हुआ दरभंगा, तैरने लगा शहर, मुख्य सड़कों से लेकर तंग गलियों में भीषण जल भराव। मौसम विभाग का अलर्ट, दरभंगा समेत पूरे उत्तर बिहार में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। बज गया बिगुल, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दरभंगा जिले में दूसरे एवं तीसरे चरण में पड़ेंगे वोट। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता, बिना अनुमति अब सभा एवं रैली नहीं होगी, धरना प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं। लगातार जारी है मतदाता जागरूकता अभियान, विभिन्न माध्यमों से वोटरों को किया जा रहा जागरूक। डॉक्टर मुश्ताक अहमद बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार, संभाली कुर्सी। न्यूज टुडे से बात में कहा, समस्याओं का समाधान और सबको साथ लेकर चलना होगी पहली प्राथमिकता। और कृषि बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों के बंद का मिला जुला असर, सड़कों पर जमकर बुलंद हुई आवाज। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।